चलो, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैटायन का जो नाम रहेगा। ठीक है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनायन। हमेशा याद रखना कि कैटायन का नाम जो रहेगा वो हमेशा क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे देन एनायन। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट याद होगा तुमको कि NaCl, ठीक है, NaCl का क्या लिखते थे, सोडियम एंड देन आफ्टर क्लोराइड। सोडियम क्या है तुम्हारा, कैटायन वाला पार्ट हो जाता है Na+ वाला, और Cl- माइनस क्या हो जाता है, एनायन वाला पार्ट। तो सोडियम का पहले नाम लिखते हैं और फिर एनायन का क्या होता है बाद में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स की बात करें हम लोग, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए, तो ये जरा ध्यान में रखना क्या क्या बता रहे हैं, कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना ये वाला अपना K4, ठीक है, क्या था K4, ठीक है, और उसके बाद FeCN का होल 6, ये अपने पास था। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट पूरा कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट किसका हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा। और ये वाला क्या हम बताए थे, आयोनाइजेशन स्फीयर, जिसको काउंटर आयन भी कहते हैं। एक सेकंड जरा सर, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पूरा का पूरा। तो नाम कैसे लिखेंगे, अच्छा ये जब हटेगा, जब ब्रेक होगा, तो ये वाला इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, -4। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4K+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो जब ये वाला आएगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये सबसे पहले जो होता है वो नंबर ऑफ लिगेंड, यानी कि कितना लिगेंड है। तो सबसे पहले हम लोग ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि लिगेंड कितना है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बताते हैं कि लिगेंड कौन सा है, नेम ऑफ द लिगेंड। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। ठीक, उसके बाद हम लोग ये बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन न्यूमेरल। ठीक है, बेसिकली ये तो 4 है ना, 4, यानी इसी से क्या निकलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। ठीक है, तो पूरा पूरी किस तरीके से ये नाम चला जाएगा। ठीक है, ये हम किसके लिए बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए, तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम नंबर ऑफ लिगेंड, देन उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है, और नेम ऑफ लिगेंड भी ध्यान में रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, यदि तुम्हारा जो लिगेंड है वो एक से ज्यादा टाइप के हुए तो। उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन न्यूमेरल। ठीक है, रोमन में लिखेंगे, यदि 1 है तो लिखेंगे 1 ऐसे करके। ठीक है, 2 है तो लिखेंगे ये 2 रोमन में, 3 है तो लिखेंगे 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जाएंगे, तो ये लिखने का तरीका होगा। ठीक, अब जैसे कि सबसे पहले केस 1 हम लोग देखेंगे। ठीक है, केस 1 में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स हैविंग सिंपल कैटायन, यानी कि कैटायन कौन क्या होगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स एनायन, जैसे अभी देखे थे K4। ठीक है, FeCN का होल 6 ये वाला, तो ये ब्रेक करने पे क्या, ये कैटायन क्या हो रहा था, सिंपल है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिंपल, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये अपने को देखने को मिलता। तो एग्जांपल भी वही वाला लिया हुआ है, K4। ठीक है, FeCN का होल 6 ये Fe, और ये CN का होल 6। ठीक है, ये वाला तो बोलता है कि क्या करना है स्टेप 1 में, तो जैसे बताए हैं नंबर लिखना है लिगेंड का कितना नंबर है, राइट द नेम ऑफ मेटल प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर। हम लोग तो बात किए थे किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे, कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, लेकिन लिखने का पूरा तरीका कैसे रहेगा। अब शुरू में ही बताए हैं सबसे पहले किसका लिखते हैं, कैटायन का, यहाँ पे है ना, क्या बोले थे, सोडियम और क्लोराइड, सबसे पहले किसका लिखेंगे, सोडियम का, कैटायन का, देन आफ्टर किसका होगा, एनायन का। तो यहाँ अपना एनायन क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, एनायन है। ठीक है,
और ये वाला पार्ट अपना कौन सा है, कैटायन। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना कैटायन। तो जैसे ही अब हम नीचे जाते हैं तो अपना सबसे पहले कौन सा पार्ट हम लोग लिखना चाहेंगे, यस ठीक है, यानी कि कैटायन का जो भी। तो मेटल ये वाला अपना कौन सा प्रेजेंट है, मेटल, ठीक है, प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ध्यान में रखना है और केवल इसका नाम लिखना है कौन सा मेटल है, नंबर नहीं लिखना है, कितना नंबर है, चार है, पांच है, तीन है, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद हम लोग क्या यानी कि इसका नाम केवल क्या लिखेंगे, पोटासियम, ठीक है, क्या लिखेंगे, पोटासियम, और कुछ नहीं लिखना है। समझ में आया, चार पांच ऐसा कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद राइट द नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है, लिगेंड का नाम लिखते हैं। इफ सेम लिगेंड्स अपीयर मोर देन वन, ठीक है, देन यूज, यदि एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हैं तो क्या यूज होगा, डाई, दो के लिए ट्राई, तीन के लिए टेट्रा, चार के लिए और पेंटा, पांच के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और हेक्सा सिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। इज दैट क्लियर। और यदि वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट दैट देयर नेम आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि एक ही लिगेंड दो है, जैसे कि सी एन यहाँ पे सिक्स है, तो नाम से पहले क्या लगेगा, हेक्सा, हेक्सा साइनिडोल, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। लेकिन यदि कहता है कि एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हैं, ध्यान से समझ लें, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग कैसे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, कैसे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक, ध्यान में रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पे मान लेते हैं कि तीन चार लिगेंड अवेलेबल, ठीक है, तीन चार लिगेंड अवेलेबल है, एक तो क्या है तुम्हारा, ये और ये, ठीक है, पूरा का पूरा है यहाँ पे। तो सबसे सबसे पहले कौन सा लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे एमाइन को, क्योंकि अल्फाबेटिकल इसका ए आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा, अच्छा यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो उसके बाद सेकंड लेटर जाएंगे, दैट इज एम, देन उसके बाद इसका सेकंड लेटर रखेंगे क्यू। तो सबसे पहले कौन होगा ये, सेकंड में कौन होगा ये, फोर्थ में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा, यहाँ बी आ रहा है और ये सी, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इफ एनी कॉम्प्लेक्स लिगेंड इज प्रेजेंट और इफ नेम ऑफ लिगेंड ऑलरेडी कंटेन डाइट्राइड देन देयर नेम। समझना ध्यान से, बोलता है कि यदि कोई लिगेंड है और उसमें उसके नाम में ही, मतलब उस लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग याद होगा पढ़े थे इथिलीन डाई एमाइन, ईएन, याद है, ईएन करके पढ़े थे, इथिलीन डाई एमाइन, NH2, NH2, CH2, ठीक है, CH2 और ये NH2, ऐसा करके पढ़े थे, याद आया, इथिलीन डाई एमाइन, ठीक है, डाई इथिलीन ट्राई एमाइन, ऐसा करके पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद टेट्रा इथिलीन पेंटा एमाइन, ऐसा करके हम लोग क्या हुए थे। तो इसके नाम में ही डाइट्राई छिपा हुआ, पहले ही डाइट्राई, और ये यदि एक से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, ये यदि एक से ज्यादा आ जाएगा तो ध्यान में रखना है कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे 20, दो यदि रहेगा, टू टाइम्स आएंगे तो 20, थ्री टाइम आएंगे तो 30, ठीक है, फोर टाइम्स आएंगे तो टेट्राकिस, फाइव टाइम्स आएंगे तो पेंटाकिस, इस तरीके से वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम जो रहेगा उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यदि सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट रहेगा कॉम्प्लेक्स एनायन में, किसमें रहेगा, कॉम्प्लेक्स एनायन में, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे, उसका जो इंग्लिश नेम रहेगा ऑफ मेटल विथ सफिक्स ATE, ATE लगाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, तो आयरन का क्या होता है, फेरेट, ठीक है, क्या लिख देंगे, फेरेट, ठीक है। Ag का क्या लिखेंगे, आर्जेंटिनेट, ठीक है, आर्जेंटेट, ठीक है, Ag, निकेलेट, ठीक है, प्लेटिनेट, ठीक है, प्लेडेट, ठीक है, पेलेडेट, उसके बाद बोरेट, एलुमिनेट, ठीक है, क्रोमेट, मैग्नेट, ऑरेट, तो ये ध्यान में रखना है, जिंकेट, थोड़ा तो इस चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा, जबरदस्त आपको नया चीज़ है सारा कुछ, तो थोड़ा सा जो है इसमें सावधानी बरतना है। और HG के लिए क्या होगा, मर्क्यूरेट या फिर मर्क्यूरी भी लिख सकते हैं इसमें। W का क्या होगा, टंगस्टन होता है, तो टंगस्टन भी लिखा जा सकता है और टंगस्टेट भी लिखेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से लिखने का, सब याद ही रखना होगा, ठीक है, डेली पढ़ना, रिविजन करना, तब याद हो पाएगा, ठीक। उसके बाद अगला स्टेप क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना रहता है, बताए थे ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में, वो ऊपर ही हम बताए, ठीक है, इन पैरेंथेसिस, मतलब रोमन नंबर में ही लिखेंगे। अब जैसे कि ये आ गया पहला एग्जांपल,
फोर का होल सिक्स। तो सबसे पहले क्या लिखना है, पोटासियम बस लिख दिए। उसके बाद आ जाओ कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे, नंबर कितना है, छः, तो लिख दिए हेक्सा। ठीक है, उसके बाद क्या है सी एन, सी एन को क्या लिखते हैं, साइनिडो, बताए हैं ऊपर में है। उसके बाद एफी, ठीक है, साइनिडो, अच्छा साइनिडो सी लिखे, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्डेड है किससे, कार्बन से। आइसोसाइनिडो, आइसोसाइनिडो भी लिख सकते थे, लेकिन यदि हम आइसोसाइनिडो लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आइसोसाइनिडो लिखे हैं तो भी करेक्ट है, लेकिन साइनिडो के साथ सी लिख दिए हैं मतलब कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, साइनिडो के साथ एन लिख दिया मतलब नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, तब आइसोसाइनिडो, आइसोसाइनिडो नहीं लिखे। ठीक है, ये हो गया। अब आयरन का क्या होगा, अभी ऊपर बताएं फेरेट, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये टूट के बाहर निकलेगा तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे चार बाहर निकले ना +1 के साथ, तो -4, और यहाँ कितना हो जाएगा -6 है यहाँ टोटल, ठीक, तो कितना हो जाएगा इसका, कितना निकलेगा +2 आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि तो ये ऐसे करके निकालते हैं ना, एक्स जिसका निकालना है वो प्लस, ठीक है, -1 × 6 और बराबर क्या हो जाएगा -4, तो एक्स बराबर कितना निकल जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो अब आपको हर एक क्वेश्चन में अपने आप करवा लेगा। ठीक है, Na3AlF6, ठीक है, तो ये बनता कैसे, ये बनता है 3NaF+AlF3 से बनता है, ये भी आपको बताए। तो क्या लिखेंगे, सोडियम 6 है तो हेक्सा, एफ है तो फ्लोरिडो, और एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, और वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका 6। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। NaBH4 कैसे हुआ, ये यहाँ से निकलेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, अब इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा X, ठीक है, +1 × -1 × 6 बराबर -3, तो कितना निकलेगा X बराबर +3 आ जाएगा। NaBH4 तो क्या लिखेंगे, सोडियम, और ये चार है तो टेट्रा हाइड्राइड है ना, तो हाइड्राइड को क्या लिखेंगे, हाइड्रिडो, याद है डीओ लिखते हैं, IDO लिख रहे थे लास्ट में, देखेंगे जब लिगेंड का नाम लिखे हैं उसी समय वहां पे सब चेक करें और याद करके फिर यहाँ पे सेट करें लिखना है, और कितना हो जाएगा वैलेंसी इसका, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो ये है, और एग्जांपल देखेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये याद आ रहा है, LiH+Al इससे मिलकर के ये बना हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसका, लिथियम आ गया यहाँ पे, उसके बाद टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, और कितना हो जाएगा 3। ये क्या है आपका CD, ठीक है, सॉरी CA है, कैल्शियम, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद हेक्सा, साइनिडो, और उसके बाद चूंकि सी से है इसलिए -C, ठीक है, उसके बाद आयरन है तो फेरेट और 3। इसका क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड होता है ना, OH का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड का क्या लिखते हैं, IDO लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सीडो, ये हो जाएगा, तो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो और जिंकेट और ये वैलेंसी 2। इसका अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के आ गए, ठीक है, लिगेंड कई सारे आ गए, तो अल्फाबेटिकल इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा पोटासियम, ठीक है, अच्छा इसका कितना हो जाएगा, ये यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ यह क्या निकलेगा +2 में, ठीक है, ये क्या निकलेगा किस में आपका +2 में, तो ये टोटल पे कितना आ जाना चाहिए -2। ठीक, अब इसका OH का क्या होता है -1, I का क्या -1, Br का क्या -1, Cl का क्या -1, यानी टोटल कितना हो गया -4, ठीक है, तो X -4 होना तो चाहिए प्लस, लेकिन क्या हो गया -4 इज इक्वल टू -2, तो X बराबर क्या हो जाएगा +2, यानी कि यहाँ PD का वैलेंसी कितना हो जाएगा +2, और +2 वाला PD जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है, PD+2 का कितना शो करता है 4CN, ठीक है, 4 क्या ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, देखेंगे यहाँ भी 4 तो कर रहा, ठीक है, सारा चीज इंटरलिंक है। तो पोटासियम सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो, फिर क्लोरी ब्रोमिडो, ठीक है, क्लोरिडो, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, उसके बाद आयोडो, उसके बाद पेलेड, ये पेलेडियम है, देखेंगे जरा सा ये अच्छे से, ठीक है, तो ये पहले डेट और ये इसका वैलेंसी कितना 2, जैसा कि आया है यहाँ पे देखेंगे। अब ये आ गया कौन सा, यस याद है क्या आ गया नाम इसका, ईटा,
2 यानी दो वाला, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर याद आ रहा है? हाँ एकदम। इसका कैसा स्ट्रक्चर बना था? ऐसा ये बीच में पीटी था, ठीक है, चारों तरफ ये करके यहाँ पे, ठीक है, CL CL इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे। और यहाँ पे क्या आ गया था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे करके बनाए थे यदि आपको याद होगा। और ये पाई डोनर था, ठीक है, पाई डोनर था, ऊपर में पढ़े हैं हम लोग। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो, ठीक है। और चूंकि इथिलीन है तो इथिलीन प्लेटिनम, और ये टू, ये क्यों इस्तेमाल हो गया? क्योंकि पाई डोनर है, ठीक है, दो एटम वाला है, ठीक है, इसलिए एटा टू इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद K2 कॉम्प्लेक्स कैटायन रहेगा और सिंपल एनायन रहेगा। इस बार कॉम्प्लेक्स कौन रहेगा? कैटायन, ठीक है। तो इसका नाम लिखते वक्त ध्यान में रखना है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नेमिंग ऑफ लिगेंड, ठीक है। क्या स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे? तो जो नेमिंग ऑफ लिगेंड जो रहेगा वो सेम एज K1, ठीक है। लिगेंड का नाम जैसे K1 में था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नॉर्मल नेम जो रहेगा वो लिखेंगे, यानी कि अब जो इंग्लिश नेम के साथ AT ऐड किए हैं वो नहीं इस्तेमाल करना है यदि कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन का पार्ट आता है। यानी कि अब हम लोग क्या लिखेंगे? नॉर्मल नेम, यानी कि आयरन है तो आयरन लिखेंगे, कॉपर है तो कॉपर लिख, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। और नेमिंग ऑफ एनायन, नॉट इट्स नंबर, इसका नंबर अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि Al H2O6 Cl3, तो नाम क्या हो जाएगा भाई? नाम हो जाएगा डायरेक्ट, अब यहाँ से चालू होगा, हेक्सा एक्वाल, ठीक है, हेक्सा एक्वा। एक्वा क्या है भाई? एक्वा पानी को हम लोग एक्वा बोलते थे, याद है, एल्यूमिनियम 3, अब इसका तो 3 आएगा, ठीक है। कैसे यहाँ से करोगे? तो ये तो क्या हो जाएगा, 3 Cl-, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इस पे, -3। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। तो ये सब क्या हो जाएगा, Al बराबर क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीडो, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरीडो। अब इसमें क्या हो जाएगा, दो तीन लिगेंड है, एमोनिया भी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइन कहते हैं, ये एक्वा है, और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीडो, Cl2 है ना, यस, ठीक है, ये ऐसे है, ये Cl2 ही है ना, क्योंकि यहाँ तो नाम में लिख रहा है इथिलीन डाइएमाइन, EN है ये लग रहा है, हाँ EN2, EN, ठीक है, EN है, ठीक। अब देखेंगे जरा सा नाम इसका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे भाई? तो एमाइन कितना है? 2, तो डाई एमाइन, ठीक है, और ये ए अल्फाबेटिकल में आया है, ठीक है, ए अल्फा, ए ए ये देखेंगे, ए इसका, और ये ए इसका, डी वाला ये वाला नहीं इस्तेमाल करते हैं, डाई ट्राई इसका, ये अल्फाबेट में नहीं आएगा। तो उसके बाद एम, और ये इसका क्यू, सबसे पहले कौन आएगा, डाई एमाइन, देन उसके बाद डाई एक्वा, अच्छा ये 20, यहाँ Hol2 है जी, ठीक है, ये भी Hol2 है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो हम लोग 20 क्यों लगा, क्योंकि EN में इथिलीन डाई पहले से ही आ गया है, ऊपर ही बताए थे, पहले से ही आ गया है, तो इसके नाम से पहले फिर क्या लग जाएगा, 20 लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार डाई, अब एक बार यहाँ भी आ गया, अब इससे पहले भी डाई नल लग करके क्या लगेगा, 20, 30, 33, यदि 3 रहता तो 30 हो जाता, ठीक है। तो इथिलीन डाई एमाइन हो गए, ठीक, और ये Iron 3 Sulfate, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या है भाई, CONCS, ठीक है, ध्यान में, NCS, NCS क्या है, थायोसाइनेटो, ठीक है, यदि CN रहता तो केवल क्या हो जाता, साइनेटो ओ सॉरी साइनेटो N रहता, और ये NCS है तो थायोसाइनेटो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या, पोटासियम, ठीक है, उसके बाद कितना है, 5 है ना, ठीक है, सॉरी 5 तो यही है ना, तो क्या लिखेंगे, पेंटाएमाइन, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, थायोसाइनेटो, एन, एन से बॉन्डिंग है इसीलिए। ये लिगेंड का नाम लिखने में यदि परेशानी हो रहा है आपको थोड़ा सा, तो जाके डायरेक्ट लिगेंड वाले सेक्शन में जाके रिवीजन करें कि लिगेंड का नाम क्या क्या हो रहा है, क्या लिखा गया उसका, ATE लास्ट में लगाया गया है, IDO लगाया गया, क्या लगाया गया, जा करके देखें, एन कब लिख रहे हैं, कार्बन कब लिख रहे हैं साथ में,
ये जाके आप ही को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट फ्री हो जाएगा इसका निकालेंगे तो, ठीक है। कैसे, ये तो Cl2 2Cl- बाहर, यहाँ पे हो जाएगा -2, और ये भी, ये न्यूट्रल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये दो है ना, सॉरी ये एक ही है, ठीक है, ये एक ही है। तो आप इसको निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस -1, और ये तो 0, और माइनस कितना है, -2, अच्छा सॉरी ये +2 होगा ना, गलत होगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, +3, ये +2 होगा ना, ये -3, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, अब कुछ कुछ आप खुद से भी करें, जैसे ये 3 रह गया है तो इसको आप खुद से करें, ठीक है, खुद से बनाए थोड़ा सा, और जो मॉड्यूल दिया गया उसको भी थोड़ा खुद से करें। अब तीसरा वाला जो पार्ट आता है, तीसरा क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, मतलब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनायन भी और कॉम्प्लेक्स कैटायन भी, तब कैसे करेंगे। तो जैसे एग्जांपल PtNH3 का होल 4 और PtCl का होल 4, यानी कि Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों में 4, और अपने को पता है कि Pt का यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा, Pt+2 में होगा, Pt+2 में होगा, इज दैट क्लियर। और ये क्या होता है बेटा, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, और ये न्यूट्रल होता है, इसका मतलब हम क्या दे दिए हैं, ठीक है, जरा सा देखें ये, अब मतलब कि दोनों एक एक रेशियो में, ठीक है, जरा सा देखें, ये वाला भी सिंपल मतलब कि सेम रेशियो में है, ठीक है, ये भी उसी में है, तो हम लोग क्या दे दिए, +2 इसको और -2 इसको मान लेते हैं, ऐसा करके चलते, +2 इसको मान लिए, ठीक है, और -2 मतलब दोनों सेम रेशियो में, दोनों सेम रेशियो में, इन द सेंस कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो रेशियो गड़बड़ है, दोनों किस में है, 1:1 में, ठीक है, 1:1 में है, तो अपने को कोई परेशानी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा, कैटायन मान लेते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कौन सा मान लेते हैं, एनायन, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा अपना -2। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, तो नाम लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, यस, टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन प्लेटिनम 2। कैटायन वाले में हम लोग नाम जैसा क्या तैसा लिखते हैं, कोई चेंज नहीं, एनायन वाले में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, और फिर क्या हो जाएगा, 2, यही नाम हो जाएगा इसका। अब इसमें देखेंगे फिर से वही 1:1 में ही आ गया है, +2 -2 मान लो, ठीक है, तो यहाँ अंदर देखोगे तो इसका अब ये तो अब आपको करना आना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो ये टेट्रा 4 है ना, और एमिनो एमाइन, टेट्रा एमाइन, ठीक, ए अल्फाबेटिकल फिर आ जाएगा, टेट्रा एमाइन, ठीक है, डाई क्लोरिडो, ठीक है, प्लेटिनम 4, और उसके बाद डाई ब्रोमिडो, ठीक है, उसके बाद डाई क्लोरिडो, ठीक है, प्लेडेट, ये इसका जो नाम आयरन का अलग वाला आया था, ठीक है, जब एनायन में होगा तब उस समय लिखते हैं वो, और ये क्या हो जाएगा इस तरीके से इसका जाएगा। क्रोमियम, कोबाल्ट और क्रोमियम वाले में देखते हैं, तो ये कोबाल्ट है और ये